नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कमेटी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। पिछले लेक्चर में हमने नदी अपवाह तंत्र, जलप्रपात, बांध एनी कट और नदी परियोजना से संबंधित प्रश्नों को हल किया था और देखा था कि CGPSC में इस टॉपिक से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत कृषि, सिंचाई और पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उससे संबंधित प्रश्नों को हल किया है, उससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास हम पूरी तरह से करेंगे। देखिए, इस टॉपिक से अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है ना, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि डाउट्स आने तो स्वाभाविक हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डाउट तो आएगा ही। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है एग्जाम की तैयारी करते समय, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये जो टॉपिक है, ये छत्तीसगढ़ के भूगोल में डायनेमिक पोर्शन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब ये कि यहाँ से सवाल करंट से रिलेटेड आते हैं। दूसरी बात, ये जो सवाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर लेंदी नहीं होते हैं। ये बिल्कुल वन वर्ड के सवाल होते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते। वन वर्ड में ये सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से रिलेटेड डेटा याद रखने होंगे, जो भी फैक्ट्स है वो याद रखने होंगे। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा फैक्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा कितने प्रतिशत भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो छत्तीसगढ़ में सिंचाई के समस्त स्रोतों द्वारा 36% भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? 28%, 16%, 15% और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का 80% जनसंख्या कृषि या कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर है अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? 2554598। इसकी लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में कितने कृषक परिवार हैं? 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिनमें से 76% परिवार लघु एवं सीमांत कृषक के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ जनरल डेटा हैं, ये यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं सवाल पर। तो सिंचाई के समस्त स्रोतों से हमने देखा कि 36% भूमि पर सिंचाई उपलब्ध है। तो ये 36% भूमि कितनी है? तो ये 36% भूमि 15.64 लाख हेक्टेयर है, जिसमें नहर, नलकूप, तालाब और कुआं के माध्यम से सिंचाई की जाती है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। इतना तक हमको समझ में आया, ठीक। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में विभिन्न सिंचाई स्रोतों के योगदान को बढ़ते क्रम में लिखिए। हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के कुल भूमि में जो 36% भूमि है उसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो बाकी भूमि है वहां पर कृषि वर्षा पर निर्भर होकर की जाती है, ठीक। तो ये जो समस्त सिंचाई स्रोत हैं जिसके माध्यम से 36% भूमि पर सिंचाई की जाती है, तो इसकी भागीदारी को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। जब भी हम कोई सवाल पढ़ते हैं और वो सवाल अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमें इसके बारे में कुछ तो पता है, तो हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सवाल को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं और खुद से ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और अक्सर जल्दीबाजी में
क्या होता है, आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो सवाल को हमेशा दो बार पढ़िए। यहाँ पर घटते क्रम नहीं लिखा गया है, बढ़ते क्रम लिखा गया है। मतलब कि सबसे कम भागीदारी को पहले लिखना है और सबसे अधिक भागीदारी को लास्ट में लिखना है। ठीक, तो इनकी भागीदारी देख लेते हैं। नहर की भागीदारी है 52%, नलकूप की 29%। एरिया के फॉर्म में देखें तो ये 52% है 8.9 लाख हेक्टेयर एरिया। नलकूप का एरिया है 6.2 लाख हेक्टेयर एरिया। कुएं की भागीदारी है 15.8 हजार हेक्टेयर और तालाब के माध्यम से सिंचाई 29.5 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा भागीदारी नहर की है, फिर नलकूप की है, फिर तालाब की है और उसके बाद कुओं की है। तो हमको इसे बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, कुआं आएगा, ठीक, उसके बाद तालाब, उसके बाद नलकूप और उसके बाद वन। जिस तरफ ये फेस जो है ओपन रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, ये इसका साइन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। ये जितने भी साइन है ना वो ऐसे होने वाले हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 2, 1। यहाँ से सवाल CGPSC में पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे यही पूछ दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, तो किसकी है, वो नहरों की है। ठीक, अगला सवाल, वर्ष 2018-19 ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ठीक है, वर्ष 2018-19 में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक औसत उत्पादन किया गया था। यहाँ पर चार फसलों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि निम्न में से इनमें से किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक किया गया था वर्ष 2018-19 में। तो ऑप्शन में दिया गया है धान, गन्ना, चना और गेहूं। तो सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का किया गया था, गन्ने के बाद मक्का, मक्का के बाद धान, धान के बाद गेहूं, फिर चना और फिर ज्वार। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन इस वर्ष 2018-19 में किसका किया गया था, गन्ने का किया गया था, उसके बाद मक्का का, उसके बाद धान का और उसके बाद गेहूं का। कभी कभी इसे ही आपको घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार वर्ष 2019-20 में पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी स्थिर भाव 2011-12 पर कितनी है। ठीक है, तो हमको सवाल में क्या पूछा गया है कि पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत भागीदारी पूछा गया है। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 2.1, 1.63, 1.19 और 2.07। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 1.63। फसल, पशुधन, मत्स्य उत्पादन, इन सब का आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत भागीदारी याद रखना होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न जनरली फैक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, आपको डेटा याद रखने पड़ेंगे। तो लिख लेते हैं हम, फसल क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि, पशुधन क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि और मत्स्य विकास क्षेत्र की भी। तो प्रतिशत वृद्धि भी लिख लेते हैं और प्रतिशत भागीदारी भी लिख लेते हैं। तो फसल क्षेत्र की अगर हम वृद्धि की बात करें तो ये है 2.05%। ठीक, और भागीदारी की बात करें तो 10.19%।
पशुधन की प्रतिशत वृद्धि 16.45%, और हमने भागीदारी तो देखा ही है 1.63। मत्स्य विकास की बात करूं तो इसकी प्रतिशत वृद्धि है 4.06 और भागीदारी है 2.07। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको इस प्रकार के डेटा याद रखने हो तो आप क्या किया कीजिए, ऐसे टेबल बना लीजिए, ठीक है, और उसको रोज कम से कम 5 दिन तक आप रोज इसे पढ़िए, दिन में 2 बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, या फिर किसी प्रकार का कोई ट्रिक लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। CGPSC में यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। गोधन योजना की शुरुआत किस अवसर पर की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए गोवर्धन पूजा, बी हरेली पर्व, सी पोला पर्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में गोधन योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा रायपुर से की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के पशु पालकों से गोबर खरीदकर उस गोबर का जैविक खाद बनाना। क्या है मुख्य उद्देश्य? पशु पालकों से गोबर खरीदकर इस गोबर का जैविक उत्पाद बनाना। गोबर की खरीदी रेट क्या है? तो 2 रुपए पर किलो की दर से इन पशुपालकों से गोबर खरीदा जाएगा, और इसके लिए 2400 गोठानों को गोबर खरीदने के लिए केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि गोधन न्याय योजना से संबंधित है, ये आप ध्यान में रखिएगा। गोधन न्याय योजना, यहीं से ही समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं गाय या फिर पशु से संबंधित योजना है, तो ये गो से ध्यान रखिएगा कि ये गोबर से संबंधित है, ठीक है, और इस बार गोबर की खरीदी की जानी है, ठीक। तो कृषकों की आर्थिक स्थिति को विकसित करने के लिए और भी सुदृढ़ करने के लिए राज्य शासन के द्वारा इस योजना को हरेली पर्व के अवसर पर लाया गया था। देखिए 20 जुलाई 2020 जुलाई का महीना है, इस अवसर पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्या पोला का पर्व मनाया जाता है? तो नहीं, पोला का पर्व सितंबर के मंथ में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा? नहीं, गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक के माह में मनाया जाता है। तो हरेली का पर्व कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या को मनाया जाता है, सावन का महीना अर्थात जुलाई का महीना। तो हरेली पर्व के अवसर पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है शहीद दीन नारायण सिंह, महेंद्र कर्मा, गेन सिंह और गुंडाधुर। तो महेंद्र कर्मा के नाम पर तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम रखा गया है। मतलब कि इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम है महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना की शुरुआत 5 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गई थी। ये 5 अगस्त महेंद्र कर्मा जी का जन्मदिवस है, ठीक। तो 5 अगस्त को इस योजना की शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य से शुरुआत की गई थी? तो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अब ये सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाएगी? तो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार का अगर मुखिया 50 वर्ष से कम आयु का है और उसकी अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर इस मुखिया की मृत्यु दुर्घटना से हो जाती है तो इन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अगर किसी दुर्घटना से ये पूर्णतः विकलांग हो जाते हैं तो भी इनके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी,
और अगर ये आंशिक रूप से विकलांग होते हैं किसी दुर्घटना से तो इन्हें 1,00,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो आपको ये अनुदान भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या है तो ये याद रखना है कि ये तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के लिए इस योजना को लाया गया है। और कब लाया गया है तो 5 अगस्त महेंद्र कर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, नीली क्रांति योजना किससे संबंधित है? जब भी किसी योजना का नाम थोड़ा कंफ्यूज करने वाला हो तो सवाल समझ लीजिए कि यहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे कि नीली क्रांति, नीला रंग आसमान का होता है और नीला रंग समुद्र का होता है, लेकिन क्या इस योजना का संबंध आसमान या फिर समुद्र से है? तो नहीं है। तो आते हैं, ऑप्शन दिया गया है किससे संबंधित है, कृषि एवं सिंचाई से, जल निकास से, मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन से, या फिर पर्यावरण से। तो देखिए, नीली क्रांति योजना भारत शासन की केंद्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना के अंतर्गत, अच्छा इसका संबंध किससे है, मत्स्य पालन विकास और प्रबंधन से है। इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन से संबंधित हितग्राहियों को, अगर वो सामान्य हितग्राही है तो उसे 40% का अनुदान दिया जाएगा, और अगर वो अनुसूचित जाति या फिर जनजाति से रिलेट करता है, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति और एससी का मतलब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति, अगर वो इन दो वर्ग से रिलेट करता है तो उसे 60% का अनुदान दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि नीली क्रांति योजना मत्स्य पालन से संबंधित है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है या उसके प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य कर रहा है तो उस हितग्राही को सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस योजना के तहत नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी संरक्षण व संवर्धन का अभियान छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है ए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बी जैविक खेती मिशन, सी सुराजी गांव योजना और डी में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी सुराजी गांव योजना। सुराजी गांव योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नरवा गरवा घुरवा अगबाड़ी एला बचाना है संगवारी नाम से अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें किसका संरक्षण किया जा रहा है, आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ से सवाल केवल इस प्रकार से नहीं बल्कि बहुत अलग अलग डायरेक्शन में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नरवा का तात्पर्य इसमें क्या है, तो नरवा का तात्पर्य है नाला। इस योजना के माध्यम से नालों का प्रबंधन किया जाएगा, जल निकास को और भी बेहतर बनाया जाएगा, गरवा का तात्पर्य गोठानों का निर्माण करना और पशुधन की सुरक्षा करना, घुरवा का तात्पर्य, छत्तीसगढ़ी में घुरवा किसे कहते हैं, एक विशेष प्रकार का गड्ढा जहां पर गोबर को कलेक्ट किया जाता है कंपोस्ट खाद के निर्माण के लिए। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर बनाया जाएगा जिसमें कम अवधि में और गुणवत्ता, जिससे गुणवत्ता भी अच्छी होगी, गुणवत्ता पूर्ण यहाँ पर खाद, कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। बाड़ी, बाड़ी का मतलब क्या होता है, घर के पीछे का एरिया जहां पर सब्जी या फिर फल उगाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का विकास करना है इस अभियान के माध्यम से, मतलब कि जल का संरक्षण, पशु का संवर्धन, घुरवा मृदा के स्वास्थ्य को और भी बेहतर करना, और यहाँ पर बाड़ी से क्या किया जा रहा है, पोषण का प्रबंधन किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस योजना को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर आपको नहीं बताना है, इसे मार कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए वर्षा जल संग्रहण, बी सिंचाई स्रोतों का विकास, सी भू जल संवर्धन और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये भारत शासन की योजना है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस योजना के माध्यम से सिंचाई किया जाएगा। ठीक है, तो भारत शासन के द्वारा इस योजना के तहत 99 योजनाओं को चिन्हांकित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश की 3 परियोजना शामिल है। ये 3 परियोजना कौन कौन सी है, तो पहला है खारंग परियोजना, खारंग नदी पर
दूसरा मनियारी परियोजना मनियारी नदी पर, और तीसरा केलो परियोजना। इन परियोजना के माध्यम से सिंचाई स्रोतों का विकास किया जाएगा, आसपास के क्षेत्रों में ग्रामों में वर्षा जल का संग्रहण किया जाएगा और भूजल का संवर्धन भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों उद्देश्य हैं इस योजना के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इसकी शुरुआत 21 मई को करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के लिए केवल पात्र छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी किसान होंगे। तो देखिए, ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसके बारे में चर्चा विधानसभा वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी। ठीक है, जब बजट पेश किया जा रहा था तो ये घोषणा की गई थी कि ये योजना लाई जाएगी। कब लाई जाएगी? तो 21 मई राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर लाई जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक, इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य तो किसानों को समर्थन मूल्य के अंतर की राशि देना। अब ये किसान कौन होंगे? तो ये केवल प्रदेश के किसान होंगे जो कि धान की, मक्का की और गन्ने की खेती करते हैं। टोटल 19 लाख किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। ठीक है, ये किसान छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर क्या कहा गया है, सही कथन को चुनिए। तो सही तो सभी कथन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, लंबी स्किन रोग पशु की किस प्रजाति में देखने को मिल रहा है? इसमें ऑप्शन दिया गया है गौवंशी, बकरीवंशी, भैंसवंशी और भेड़वंशी। तो देखिए, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बेमेतरा, मतलब कि जो मध्य और उत्तर के क्षेत्र की जिले हैं, यहाँ पर गौवंशी प्रजातियों में ये लंपी स्किन रोग हमें देखने को मिल रहा है। इसमें गाय को पहले बुखार होता है, उसके बाद उसके स्किन पर गठाने पड़ जाती है और बाद में वो घाव का रूप धारण कर लेती है। हाँ, इस रोग से गाय की मृत्यु तो नहीं होती है। और इस रोग की रोकथाम के लिए जू किल्ली नाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कि लंपी स्किन रोग गौवंशी प्रजाति की पशुओं में हमें देखने को मिल रही है और इसके रोकथाम के लिए जू किल्ली नाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल है, बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से निम्नलिखित में से किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर। हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस जिले को इस बोध घाट परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। तो ये जो बोध घाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, इसका निर्माण दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत गीदम विकास खंड में बारसूर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। अभी भी इसका निर्माण कार्य जारी है, मतलब कि अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। देखिए, ये बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका मतलब ये है कि इससे दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के जिले में सिंचाई की सुविधा तो दी ही जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3,
दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजा जिले में इस सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कृषि, पशुपालन और सिंचाई से संबंधित सवाल सीजीपीएससी प्री में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से ज्यादा ध्यान हमें यहाँ पर फैक्ट्स को याद रखने में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।